हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड करना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यू सीरीज़ में। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हमें दिया गया है साइज और फ्रीक्वेंसी। देखिए, ग्रुपिंग मेथड से जब मोड फाइंड करते हैं तो हम टू टेबल प्रिपेयर करते हैं। एक टेबल होता है ग्रुपिंग टेबल और सेकेंड होता है एनालिसिस टेबल, जिसमें हमारा आंसर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ग्रुपिंग मेथड यूज़ कब होगा। जब हमें जो फ्रीक्वेंसी दी होती है, वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो रिपीट हो जाए, यानी कि एक से ज़्यादा बार आ जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 20 है और वो रिपीट हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड यूज़ होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाए या जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे एक कम वाली फ्रीक्वेंसी भी हो, तो उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं काउंट करते हम, वहाँ भी ग्रुपिंग मेथड ही यूज़ होगा। यानी कि यहाँ जैसे 20 दिया हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए 19 दिया होता, तो यहाँ 1 का ही डिफरेंस है ना, तो यहाँ भी ग्रुपिंग मेथड ही यूज़ होगा। तो अब तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20 वही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तो ग्रुपिंग मेथड यूज़ होगा ही। तो ग्रुपिंग मेथड में हम सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल और फिर एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, हमें दिया हुआ था साइज और फ्रीक्वेंसी। आपको ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम बनाने होते हैं, तो पहला कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी वाला ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी को ही फर्स्ट कॉलम दे देंगे। सेकंड कॉलम में हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है और जो सेकंड है उसको टोटल करना है, और फिर थर्ड फोर्थ फिर फिफ्थ सिक्स्थ, यानी कि इस तरह से पेयर बनाने हैं हमने। तो सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कितना है, 10 और 12, दोनों का टोटल करेंगे और इनके मिडल में लिख देंगे यहाँ पर 22। बाद में इनको यूज़ भी करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस टेबल में आपको इसको कैसे यूज़ करना है जो हम यहाँ पर टोटल वगैरह करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये पहली दो फ्रिक्वेंसी हमने ले ली थी फर्स्ट और सेकेंड, अब लेंगे थर्ड और फोर्थ, यानी कि इन दोनों का टोटल आएगा हमारे पास 34, और वो इन दोनों के मिडल में लिख देंगे। नेक्स्ट इन दोनों को लेंगे 15 और 20 को, तो इनका टोटल हो गया 35, और आपने इन दोनों के मिडल में लिख देना है यहाँ पर। फिर इन दोनों का टोटल लेंगे 18 और 10 का, तो ये आ जाएगा 28। इसी तरह से नेक्स्ट ये दोनों हैं 8 और 4, इन दोनों का 12 आ जाएगा टोटल, और इनके मिडल में आपने लिख लेना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या करना है, सेकंड प्लस थर्ड से स्टार्ट करना है, और इसी तरह से नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज, फिर नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज के टोटल करते हुए यहाँ पर हमने लिख लेने हैं। तो सेकंड हमारे पास यहाँ है 12, और थर्ड कितना है 14। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, 12 और 14 का टोटल हुआ 26, तो इन दोनों के मिडल में यहाँ पर लिख लेना है आपको। अब हमने इन दोनों का टोटल लिया है यहाँ पर, तो अब इन दोनों का टोटल लेंगे नेक्स्ट 20 प्लस 15, तो ये टोटल आ जाएगा 35। फिर इसके बाद नेक्स्ट टू लेंगे 20 प्लस 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 38। इसी तरह से नेक्स्ट लेंगे 10 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 18, और 4 अकेला रह गया है, इसको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में, फोर्थ कॉलम में क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड का टोटल लिया था, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड का टोटल लेना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में 2 प्लस 3 तो ले चुके हैं, तो यहाँ पर लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम फोर्थ कॉलम प्रिपेयर करते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों का टोटल है 36, इन तीनों के मिडल में लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ से देखे यहाँ तक, यानी कि इन तीनों का टोटल 36 है, और मिडल में लिख दीजिए 12 के बिल्कुल सामने। नेक्स्ट हम ये 3 लेंगे 20, 15 और 20, तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा 55, और फिर आपने मिडल में लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लेंगे 18, 10 और 8, ये आ जाएगा 36 तीनों का टोटल, तो यहाँ लिखिए 36 मिडल में, ये 4 अकेला रह गया, इसको छोड़ देंगे। फिफ्थ कॉलम में हमने सेकंड थर्ड फोर्थ से स्टार्ट करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है 46, तो यहाँ लगाइए ये टोटल आ रहा है 46, और मिडल में लिख दीजिए। नेक्स्ट 3 लेंगे 15, 20 और 18, तो ये यहाँ तक टोटल आएगा 53, 15 से लेकर 18 तक का टोटल आ रहा है 53। फिर नेक्स्ट 3 लेंगे 10 प्लस 8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 22, इन तीनों का टोटल किया और यहाँ पर लिख लेंगे 22। अब लास्ट कॉलम में आपको क्या करना होता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों का टोटल से स्टार्ट करना है। थर्ड यहाँ पर 14 है, फोर्थ 20 है, फिफ्थ 15 है, तो इन तीनों का टोटल कीजिए, ये कितना आ रहा है टोटल 49,
तो यहां से लेकर यहां तक यानी कि ये 49 आ रहा है और मिडल में लिख देंगे 49। अब नेक्स्ट थ्री लेंगे 20, 18 और 10, तो ये कितना आएगा तीनों का टोटल 48 आएगा यहां से लेकर यहां तक और मिडल में लिख लीजिए 48। अब नेक्स्ट थ्री है ही नहीं, 8 और 4 दो ही रह गए हैं, इनको छोड़ दीजिए क्योंकि हमने तीन तीन के टोटल लेने थे थर्ड फोर्थ फिफ्थ से स्टार्ट करते हुए। तो ये तो हमारा है ग्रुपिंग टेबल। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना है 20, 22 टाइम है तो दोनों पर सर्कल लगा दीजिए। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट कितना है, देखिए यहाँ पर है 35 तो यहाँ पर सर्कल लगाएंगे। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट कितना है 38, यहाँ पर सर्कल लगाइए। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट कितना है 55, यहाँ पर सर्कल लगाइए। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट कितना है 53, यहाँ पर सर्कल लगाएंगे। लास्ट कॉलम में हाईएस्ट कितना है 49, तो यहाँ पर आपने सर्कल लगा लेना है। अब देखिए आपने एनालिसिस टेबल में क्या करना है, सबसे पहले कॉलम लिख लेने हैं, यही जो सिक्स कॉलम हमने यहाँ पर बनाए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और यहाँ पर हमारा साइज है यानी कि ये वाला 40, 44, 48, 52। और अब इन साइज की जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वहाँ से ही हमारा आंसर आएगा यानी कि मोड। तो अब देखिए फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना था 20, ये वाला जहाँ हमने सर्कल लगाए हैं, तो इसके बिल्कुल सामने देखिए साइज कितना है 52 और इसके सामने कितना है 60। तो फर्स्ट कॉलम में 52 और 60 पर आपने टिक लगा देनी है। देखिए फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट कितना है, जहाँ जहाँ सर्कल लगे हैं उनके सामने देखिए 52 है और ये 60, तो आपने फर्स्ट कॉलम में 52 और 60 पर टिक लगा लेनी है। इसी तरह से सेकंड कॉलम में देखिए हाईएस्ट कितना है 35 और ये किस किस का टोटल है, देखिए 15 और 20 का, 15 और 20 के बिल्कुल सामने देखिए कितना है 56 और 60, तो सेकंड कॉलम में 56 और 60 पर टिक लगा देंगे। थर्ड कॉलम में देखिए हाईएस्ट कितना है 38, 38 किस किस का टोटल है 20 और 18 का, 20 के सामने 60 है, 18 के सामने 64 है, तो 60 और 64 पर टिक लगा देंगे थर्ड कॉलम में। चलिए फोर्थ कॉलम में देखिए हाईएस्ट कितना है 55 और ये इन तीनों का टोटल है 20, 15 और 20 का, इनके सामने देखिए 52, 56 और 60 है, 52, 56 और 60 है फोर्थ कॉलम में। अब फिफ्थ कॉलम में देखिए हाईएस्ट कितना है 53, ये किस किस का टोटल है, देखिए 15, 20 और 18, इनके सामने क्या है 56, 60 और 64, 56 है फिर इसके बाद 60 है फिर 64 है, ये था हमारा फिफ्थ कॉलम। लास्ट है हमारे पास सिक्स्थ कॉलम में 49, अब 49 देखिए किस किस का टोटल है 14, 20 और 15 का, 14 के सामने कितना है 48, 20 के सामने 52 और 15 के सामने 56, तो 48 से स्टार्ट करिए, 48 है, 52 है और 56 है सिक्स्थ कॉलम में। तो इस तरह से आपने ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से ये एनालिसिस टेबल हमने प्रिपेयर कर ली है। तो यहाँ पर हम इनका टोटल लगाएंगे, तो टोटल में देखिए 40 में कुछ भी टिक नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 टिक है तो 1 लिखिए, यहाँ पर 3 टिक है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 टिक्स थी तो यहाँ पर कितनी है देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो अब देखिए जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है और इसके बिल्कुल सामने देखिए कितना है 60 और यही हमारा आंसर है यानी कि मोड जो है यहाँ पर 60 है और ये आपका आंसर है। ये था डिस्क्रीट सीरीज में मोड ग्रुपिंग मेथड से। अब हम कॉन्टिन्यू सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज में क्वेश्चन गिवन है और इसे हम ग्रुपिंग मेथड से फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास है क्लास इंटरवल और ये है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर भी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 10 वो रिपीट हो रहा है यानी कि एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग मेथड यूज होगा। तो इसमें ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड करना सीखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर भी सिक्स कॉलम बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर हम इस टेबल की हेल्प से एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से क्लास फाइंड होगी और फिर मोड का फॉर्मूला यूज करके मोड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ग्रुपिंग टेबल में जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम होता है वो हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम फ्रिक्वेंसी वाला ही है तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना है, देखिए यहाँ पर 10 है और ये रिपीट हो रहा है
तो यहां पर आप सर्कल लगा लेंगे। सेकंड कॉलम में हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फिफ्थ सिक्स्थ, फिर सिक्स सेवन्थ, इस तरह से पेयर बनाते हुए यहां पर लिख लेने हैं। तो यहां देखिए फर्स्ट और सेकंड का टोटल कितना है, थ्री है, और इन दोनों के मिडल में आप यहां पर लिख लेंगे थ्री। नेक्स्ट टेन और फोर को लेंगे तो इन दोनों का टोटल फोर्टीन है, यहां पर लिख देंगे मिडल में। नेक्स्ट लेंगे टेन और नाइन तो ये आ जाएगा हमारे पास नाइनटीन, तो ये टू अकेला रह गया, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो 19 है, यहाँ पर हम सर्कल लगा लेंगे। थर्ड कॉलम में देखिए सेकंड प्लस थर्ड से स्टार्ट करना है, सेकंड और थर्ड कितना है, 2 प्लस 10 यानी 12 है, तो इन दोनों के बीच में लिख देंगे मिडल में यहाँ पर। फिर नेक्स्ट 4 और 10 का टोटल करेंगे 14, फिर वो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट लेंगे 9 प्लस 2 11, और उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 14, यहाँ पर सर्कल लगाइए। फिर फोर्थ कॉलम में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का टोटल करिए, ये 13 आ रहा है, तो यहाँ लिखिए ऐसे 13, और इनके बीच में 2 के सामने लिख दीजिए 13। नेक्स्ट लेंगे हम 4, 10 और 9, तो इन तीनों का टोटल आएगा 23, और फिर लिख देंगे 10 के बिल्कुल सामने 23, यानी कि इन तीनों के बीच में 2 अकेला रह गया, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में हमने यहाँ पर देख लीजिए हाईएस्ट कितना है 23, इस पर सर्कल लगा लीजिए। फिफ्थ कॉलम में हमने स्टार्ट करना है सेकंड थर्ड फोर्थ से, सेकंड थर्ड फोर्थ इन तीनों का टोटल कितना है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, और ये मिडल में रहेगा यानी कि 10 के बिल्कुल सामने। इसके बाद नेक्स्ट थ्री लेंगे 10 प्लस 9 19 प्लस 2 21, इन तीनों के बीच में लिख देंगे 21 को यहाँ पर, तो नेक्स्ट कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कितना आया है हमारे पास 21, इस पर सर्कल लगा लेंगे। लास्ट कॉलम है सिक्स्थ, उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ से स्टार्ट करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन तीनों का टोटल करिए, 24 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे बीच में मिडल में 24। नेक्स्ट के लिए थ्री चाहिए, तो यहाँ पर तो टू ही हैं आइटम्स, यानी इनको छोड़ दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट कितना है, अकेला 24 ही है, तो इस पर आप सर्कल लगा लेंगे। अब देखिए आपको प्रिपेयर करना है एनालिसिस टेबल। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना था, 10 और 10, इनके सामने देखिए कितना है 10 to 15, तो फर्स्ट कॉलम में 10 टू 15 पर टिक लगेगी एक, तो फिर ये सर्कल लगाया है हमने, इसके सामने कितना है 20 to 25, तो ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम का। सेकंड कॉलम में देखिए 19 है, और 19 10 और 9 का टोटल है, इनके सामने देखिए 20 to 25 और 25 to 30, 20 to 25 और 25 to 30, ये सेकंड कॉलम में हम यहाँ पर टिक्स लगाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड कॉलम में देखिए 14 है हाईएस्ट, और ये किस किस का टोटल है, 4 plus 10, अब 4 के सामने कितना है 15 to 20, और नेक्स्ट है हमारे पास इस 10 के बिल्कुल सामने 20 to 25, तो यहाँ पर टिक लगा लेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के बाद देखिए फोर्थ कॉलम में है 23, और 23 हमने किस किस का टोटल लिया है, 4, 10 और 9, तो इसके सामने कितना है 15 to 20, फोर्थ कॉलम में 15 to 20, और फिर इसके सामने कितना है 10 के सामने 20 to 25, और फिर 9 के बिल्कुल सामने कितना है 25 to 30, तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में देखिए कितना है 21 हाईएस्ट, और ये किस किस का टोटल लिया था हमने 10, 9 और 2 का, इसके सामने कितना है देखिए 20 to 25, फिर 25 to 30 है, और फिर 2 के बिल्कुल सामने 30 to 35 है। लास्ट कॉलम में हमने दिया है 24, और 24 किस किस का टोटल है 10 plus 4 plus 10, तो इसके सामने कितना है 10 to 15, और फिर आएगा 4 के सामने 15 to 20, और फिर 10 के सामने 20 to 25, तो इस तरह से आपने ये एनालिसिस टेबल में टिक लगा लेनी है। फिर इसका हम यहाँ पर करेंगे टोटल, तो टोटल देखिए हमारे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर दो टिक हैं तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर 3 हैं तो यहाँ लिखिए 3, यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना है 1। अब देखिए इनमें से हाईएस्ट कितना है, 6 है, तो एनालिसिस टेबल में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी आई है 6, तो इसके बिल्कुल सामने जाइए, तो ये हमारी क्लास इंटरवल आ गई है जहाँ से हम मोड फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास आया है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल में
हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारा कितना है 6। देयरफॉर यहाँ पर जो क्लास लेंगे, क्लास इंटरवल हम वो कितना लेंगे, 6 के बिल्कुल सामने देखिए 20 to 25। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो 20 और 25 के बीच बीच में आएगा, इसका मतलब। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्लास फाइंड कर ली है 20 to 25, तो ये रहेगा हमारा F1 यहाँ पर, और ये 1 माइनस करेंगे F0, नेक्स्ट के लिए ये रहेगा F2। देखिए कॉन्टिन्यू सीरीज में मोड कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, डिवाइड में दिखते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में दिखते हैं C, ओइटा या H, ये एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट हमारे पास कितना है 20, ये होता है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट रहेगा 20। अब देखिए यहाँ पर हमने F0, F1, F2 फाइंड कर लिए हैं, तो F0 हमारा कितना है यहाँ पर देखिए 4 है, F0 4 है, F1 10 है, F1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10, और F2 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। और अब हमें चाहिए C, इन दोनों में डिफरेंस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कितना है 5। तो नेक्स्ट देखिए अभी ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 20 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 4, डिवाइड में लिखना है 2 मल्टीप्लाई में F1, F1 10 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए 20 माइनस F0 कितना है 4 माइनस F2 कितना है 9 मल्टीप्लाई में C कितना है 5। तो नेक्स्ट लिखेंगे 20 एज इट इज, प्लस में लिखेंगे 10 माइनस 4 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 30, डिवाइड में लिखेंगे 20 माइनस 4 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा 20 में से 4 गए 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7। तो यहाँ लिखेंगे 20 एज इट इज, अब आपने 30 को 7 से डिवाइड करना है, अब 30 को आपने 7 से डिवाइड करना है, ये आपका रफ काम रहेगा। तो ये सबसे पहले कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा, 7 4 28, यहाँ पर कितना बच गया 2, अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब ये कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 14, 7 2 14, तो ये बच गए यहाँ पर 6, अपनी तरफ से फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर ये कितने पर जाएगा 8 पर जाएगा, 7 8 56, यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास 4, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, अब कितने पर जाएगा 7 5 35, यहाँ कितना बच गया हमारे पास 5। आपने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक फाइंड करना है और हमने 3 डिजिट तक फाइंड कर लिया है यहाँ पर, तो ये आया है 30 को 7 से डिवाइड करने पर 4.285। तो इन दोनों को टोटल करिए, ये हो गया 24.285। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 24 पॉइंट, पॉइंट के बाद वाला थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पॉइंट के बाद वाले दो डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ थर्ड डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद वाला 5 है, तो हम पॉइंट के बाद 28 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 29। तो हमारा आंसर हुआ 24.29, ये है मोड। तो ये था हमारा ग्रुपिंग मेथड में हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।